बिहार में इन दिनों आत्मनिर्भरता पर निर्मित कई दुकानें खुल रही हैं। कोई चाय का दुकान खोल रहा है तो कोई मैगी का दुकान। लेकिन आपको बतला दें, अगर आप भी कुछ अलग करना चाह रही हैं, आप भी अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रही हैं, तो आपके पास मौका है बिहार में ढाबा खोलने का। दरअसल इसमें अब आपको सरकार भी मदद करेगी। बतला दें कि बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि अब ढाबा खोलने पर 50 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। दरअसल बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा निजी निवेशकों और संचालकों को 10 लाख से लेकर 50 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। पर्यटकों की सुविधा के लिए पूर्व पश्चिम गलियारा के रूप में चिन्हित किए गए गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज रूट पर सबसे अधिक 18 लग्जरी ढाबा स्थलों जैसे सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। बतला दें कि यह रूट सर्वाधिक लंबा है और इसी वजह से यह रूट पर अगर आप ढाबा खोलते हैं तो सरकार आपको 50 लाख तक का अनुदान राशि देगी। इसी के साथ आपको बतला दें कि इस रूट पर सबसे अधिक 18 लग्जरी ढाबा स्थलों को खोलने का सरकार सोच रही है। ये रूट लंबा है जो यूपी की सीमा से शुरू होता है और बंगाल तक चला जाता है। इसमें 3 प्रीमियम और स्टैंडर्ड और 4 बेसिक सुविधा वाले ढाबा रेस्तरां खोले जाएंगे। वहीं पहले से चलने वाले 9 ढाबा और रेस्टोरेंट को सुविधा युक्त बनाया जाएगा। बता दें कि मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज रोड पर 12 और भागलपुर, बांका, जमुई और वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज रूट पर 11-11 लग्जरी सुविधा केंद्र खोलने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पटना, आरा, रोहतास, मोहनिया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और बख्तियारपुर बिहार शरीफ रजौली रूट में 10-10 लग्जरी सुविधा केंद्र खोलने की योजना की गई। वहीं अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको पर्यटन विभाग को आवेदन देना होगा। बता दें कि जिन आवेदकों के पास ढाबा और रेस्टोरेंट के लिए सड़क किनारे अपनी ज़मीन उपलब्ध होगी, उन्हें ज़्यादा रियायत दी जाएगी। साथ ही मार्ग सुविधा प्रस्तावों के मूल्यांकन और समीक्षा के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी जो इस पर अंतिम फैसला ले सकती है। बतला दें कि संबंधित जिलों के DM द्वारा साइट और मौजूदा संरचना का भौतिक सत्यापन करवाकर पर्यटन विभाग को रिपोर्ट दिया जाएगा। इसी के साथ आपको बतला दें कि सड़क किनारे न्यूनतम आधा एकड़ जमीन में चल रहे मौजूदा लग्जरी ढाबा को अपग्रेड करने की योजना बनाई गई है। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द अपना आवेदन पर्यटन विभाग को दे दें। ब्यूरो सिटी पोस्ट लाइव।